चाहे सांप्रदायिकता हो, आतंकवाद हो, आज देश के लोगों को दोबारा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जरूरत है। ये देश वो है जो महात्मा गांधी, नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, सरदार पटेल साहब और ऐसे हजारों अजीम नेताओं के नेतृत्व में इस देश से कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया। आज आज़ादी के 72 साल के बाद भी जो देश का वातावरण होता जा रहा है, जिस तरीके से आज हिंसा की घटनाएं हो रही और उन हिंसक घटनाओं को जब आप टेलीविजन के ऊपर या सोशल मीडिया पे देखते हो तो ऐसा एहसास होता है कि शायद इंसानियत खत्म हो चुकी है। और मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरह की सभाएं होनी चाहिए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अली मेहंदी साहब को और सुनील जी को कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ रखा, क्योंकि आज जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, आवाज़ बहुत कम सुनी जा रही है आजकल, ऊपर आवाज़ उसी की सुनी जा रही है जिससे उनको कुछ लाभ पहुँचता हो। लिंची की जहाँ तक बात है, देश के प्रधानमंत्री 2 बार कह चुके हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद से ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा बुलंदशहर में वो बहादुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जी, जिनको गुंडों ने गोली मार दी, और उनके बेटे ने जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि भगवान के लिए, खुदा के लिए आपस में मत लड़ो, क्योंकि वही एक रास्ता है दंगा भड़काने का, नफरत पैदा करने का। आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से झारखंड के अंदर केंद्रीय मंत्री कातिलों को मालाएं पहनाते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश की जो सोच है, देश का जो नौजवानों की सोच है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदल गई है और उस सोच को बदलने की ज़रूरत है। और हम ये भी जानते हैं उस सोच का कारण क्या है कि जब वो नौजवान या हमारी बहन या भाई जब पढ़ाई करता है, उसके माँ बाप मेहनत से पैसा इकट्ठा करके उसके एक भविष्य के लिए, बेहतर करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो बेरोजगारी का शिकार होता है तो अपने ही घर में उसको लगने लगता है कि घर वाले का खाना कैसे खाऊं। और ये मैंने सैकड़ों मिसालें देखी हैं लोगों कि अपने घर में अपने माँ बाप के दिए हुए खाने को खाने में जब आदमी को शर्म आने लगे तो इस सरकार को जागना चाहिए। आज जिस तरह की नफरत यहाँ देश में है, मैं समझता हूँ कांग्रेस के संविधान से, कांग्रेस के सिद्धांतों से, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन से फिरके से ताल्लुक रखता है, कांग्रेस ने कभी ये भेदभाव नहीं किया। और इसीलिए ये एक दौर है, जैसे गोगिया पाशा एक जादूगर का नाम सुना होगा आपने, एक केंद्र में जादूगर है और एक दिल्ली में गोगिया पाशा है, दोनों मिलकर केवल और केवल वोट कैसे हासिल किया जाए उसकी राजनीति कर रहे हैं। और यही वजह है कि नौजवानों के दिमाग में जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और जब पेट की भूख दिमाग पर चढ़ती है तो आदमी के सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है, और हम सब की रगों में उन बहादुर हमारे बुजुर्गों का खून दौड़ता है जिन्होंने हंस हंस कर फांसी के फंदे चूमे थे। और मैं समझता हूँ कि इस पैगाम को जितनी दूर तक आप ले जा सके और जितनी इस सांप्रदायिकता से, नफरत से लड़ाई लड़ सके, मैं समझता हूँ तभी देश मजबूत होगा। नहीं तो हर जगह कहीं ना कहीं इस तरह के हादसात रोज होते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो आप तमाम लोग यहाँ पर आएँ, ख़ास तौर से हमारे कांग्रेस के साथी और मीडिया के साथी, और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जितने चैनल में देख रहा हूँ वही कहीं ना कहीं दिखा देते हैं, बड़े वालों को तो आजकल फुर्सत नहीं है, वो तो इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करते हैं कि कब हिदायत आएगी और किसकी टोपी उछालनी है, उसके माहिर हो चुका है आज मीडिया। मैं समझता हूँ जब मीडिया देश का इस दोराहे पर आ जाए तो ऐसे में सड़कों पे, गलियों में निकलकर ये आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर
अली मियाँ को और सुनील भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हमारे बीच में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और बहुत ही डायनामिक लीडर राजेश तिलोटिया जी यहाँ मौजूद हैं, उस्मानी साहब यहाँ इंचार्ज जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वो मौजूद हैं। मैं आप सब से यही दरख्वास्त करूँगा कि आज का दिन केवल हम आकर यहाँ बैठकर चले गए ऐसा नहीं रहना चाहिए, ये पैगाम आगे तक चलते रहना चाहिए ताकि ये जंग जारी रहे और जिन लोगों की आंखें बंद हो गई हैं इन आवाज़ों से कहीं ना कहीं निजात पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।